सबसे पहले आपको योनो SBI में जाना रहेगा। योनो SBI अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड थी तो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बस क्लिक किया हुआ है। तो इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेता है कभी कभी, क्योंकि SBI का सर्वर थोड़ा सा डाउन रहता है। तो जैसे ही खुलेगा तो आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपको अपना जो भी MPIN आपका होगा, जो या यूज़र ID पासवर्ड जो भी होगा, आपको वो डाल देना है। वो डाल के आपका खुल जाएगा ये। जैसे यहाँ से खुलेगा तो आपको जो तीन बटन दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो सर्विस रिक्वेस्ट दिख रही है वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है कि कितनी सारी सेटिंग, अकाउंट्स, लोन, डेबिट कार्ड, ATM, तो चेक दिख रहा होगा आपको। चेक पे क्लिक करना है, चेक्स पे, तो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट चेक बुक, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी अकाउंट नंबर है। और उसके बाद आपको कहना है कितने चेक की लीव्स हैं, तो 50 पे क्लिक करा है मैंने, और एग्री करके आगे बढ़ जाना है। फिर इसके बाद आपको डिलीवरी एड्रेस देखना है, तो डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर तीन चार है। न्यू एड्रेस रजिस्टर ला, जो आपको चाहिए नया एड्रेस को, अगर आपको चाहिए तो नया कर दो, पुराना जो रजिस्टर्ड है वो आप लिख सकते हैं। तो आप इसमें अपना एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपको एड्रेस चाहिए रहेगा, जहाँ पर भी आपको चेकबुक मंगानी रहेगी, तो आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। मतलब आप नए एड्रेस में भी डाल सकते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस उस पर डाल सकते हैं। और लास्ट डिस्पैच एड्रेस का मतलब ये होता है कि आखिरी बार जब आपने कुछ मंगाया होगा, ATM वगैरह, तो उस पर जिस पे आया वहाँ पे भेजना है क्या। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो जब आप ये पूरा एड्रेस डालने के बाद, तो एड्रेस अभी हम डाल देते हैं पूरा, पिन कोड डाल देना है, जो भी पिन कोड है तो सिटी ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा वो। और इसके बाद आपको जब सब ये डल जाएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूरे एक बार रिव्यू देखेगा कि भाई ये सब आपने किया हुआ है, और आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो थैंक यू यार चेक रिक्वेस्ट, ऐसे रेफरेंस नंबर आ जाएगा और एक्सेप्ट पे आ गया। तो बस इसी तरीके, बस सिंपल सी वो था आपका प्रोसेस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें और लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के हम हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।